नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 7A का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि Q 01 बिंदु P 5 माइनस 3 और R x और 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि यह जो है समान दूरी पे है, ठीक है ना। P और Q से समान दूरी पर है कौन, ये Q, P और R से समान दूरी पर है ये Q, ठीक है ना। यानी कि ये तो ज्ञात कीजिए, x के मान ज्ञात करना है और दूरी जो है QR और PR भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि P और R दो बिंदु हैं, P और R दो बिंदु हैं और इस पे जो है कोई Q बिंदु इस प्रकार स्थित है P और R के बीच में। क्यू बिंदु कोई इस प्रकार स्थित है कि इन दोनों से समान दूरी पर है, मतलब पी से भी जो है समान दूरी पर है और इधर से भी जो है समान दूरी पर है। कहने का मतलब क्यू यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोग को जो है ये जो है प्रश्न में दे दिया गया है कि पी और क्यू जो है क्या है, बराबर हैं क्यू और आर के, क्योंकि समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब यहाँ से और ये दूरी समान है और यहाँ से यह दूरी समान है, ठीक है। तो ये जो है समदूरस्थ है, ये हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को जो है क्या करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों का तुलना कर दिया जाए, मतलब पी क्यू की लंबाई बराबर क्यू आर की लंबाई से तुलना किया जाएगा तो यक्स का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है पी का निर्देशांक लिख देते हैं। तो पी का निर्देशांक है 5 माइनस में 3 और क्यू का निर्देशांक आर क्यू का निर्देशांक ले लीजिए, क्यू का निर्देशांक 0 और 1 है और R का निर्देशांक कितना है, तो x और 6 है, ठीक है ना। अब इसमें कोई दिक्कत, अब देखिए अब हम लोग को जो है क्या करना है भाई, दिया गया है कि जो है Q जो है क्या है, P और R के जो है समदूरस्थ है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो है Q माना 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 इसमें कुछ नहीं लिखना है, माना हॉल में जो है डायरेक्ट लिखिए, आप लोग हॉल में लिखेंगे कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। Q जिसका निर्देशांक 0 और 1 है, क्यू बिंदु बिंदु क्यू बिंदु क्यू बिंदु पी और आर से समान दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी से दूरी पर है। तो क्यू बिंदु पी और बिंदु पी का मतलब 5 माइनस 3 और आर बिंदु आर जिसका निर्देशांक कितना है, तो x और 6 से समान दूरी पर है, से समान दूरी पर है, ठीक है ना। अर्थात क्या है कि पी क्यू बराबर हो रहा है, पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के, ठीक है ना। अर्थात पी क्यू बराबर है क्यू आर के जब समदूरस्थ है, तो ठीक है। तो अब हम लोग पी की जो है लंबाई निकाल लेंगे और क्यू आर की लंबाई निकाल के तुलना करेंगे तो जो है x का मान हम लोग को निकल जाएगा, ये x है, ठीक है ना। तो x का मान निकालते हैं। अब पी क्यू की लंबाई निकालना है तो पी क्यू यही ना है, पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा इसमें से, इसको भाई हमारा सूत्र का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, ये दोनों सूत्र होता है, चाहे y2 में से x2 में से जो है x1 घटाइए या चाहे x1 में से x2 घटाइए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, वर्ग है तो, ठीक है ना। अब y2 में से y1 घटाइए चाहे y1 में से y2 घटाइए या वर्ग कीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम यही जो है कंसेप्ट लगाते हैं, क्या हमें अपने सूत्र का कंसेप्ट यही लगाते हैं कि इसमें से इसको घटा देना है और एक बार इसमें से इसको घटा देना है, ठीक है ना, आप वर्ग कर लेना है, ठीक है ना। तो 5 में से जो है 0 घटा लेते हैं, तो 5 माइनस 0 इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस में जो है, प्लस में जो है क्या करेंगे, माइनस तीन अब माइनस में जो है क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने भाई सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है, यह ना कहता है कि x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाया, उसके बाद से सूत्र क्या कहता है, y2 चाहे y1 माइनस, देखिए x1 माइनस x2 इसको करेंगे और इसको y1 माइनस y2 करेंगे, ठीक है ना, इसका वर्ग कर लेंगे। दोनों सूत्र यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे या फिर y1 माइनस y2 का जो है होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे हमने
किया है, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे पी क्यू बराबर, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो है 5 में से जो है 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5, 5 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले भी जो है बाकी सभी सवाल बता चुके हैं इस प्रश्नावली का, और आप लोग प्लेलिस्ट में भी जो है देख लीजिए, सभी जो है प्रश्नावली का जो है सॉल्यूशन उसमें रखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन नहीं है उसको जो है हम भेज देंगे, बाकी जितने भी सॉल्यूशन है उसको आप लोग प्लेलिस्ट में देखते रहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब प्लस हो तो प्लस, अब फिर जब -3 ना -1, तो ये हो जाएगा 4 का होल ऑफ स्क्वायर, माइनस में 4 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको होल ऑफ स्क्वायर भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 5 25, और प्लस में 4 4 16, तो ये कितना हो जाएगा, 25 16 6 5 11, 2 1 3 1 4 41, ठीक है ना। अब जो हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं क्यू आर को, अब जो है क्यू आर को सॉल्व करते हैं, बराबर है सब, ठीक है ना। अब जो है क्यू आर को ले लेते हैं, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, अब देखिए यही ना क्यू आर, तो क्यू आर हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें से इसको घटा लेना है, इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, ठीक है ना। तो जो है 0 - x करेंगे तो 0 - x का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में जो है 1 - 6 का, माने 1 - 6 का घटा के वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो जो है कितना हो जाएगा, तो x का वर्ग हो जाएगा, आप प्लस में जो है 6 में से घटाएंगे 5, और 5 का वर्ग यानी कि 25 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में है 0 नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब x का स्क्वायर है, आप प्लस में 25 है, तो x स्क्वायर आप प्लस में 25 है रहने दीजिए, x का स्क्वायर आप प्लस में 25 है रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर आप प्लस में 25, ठीक है ना। अब इसको जो है अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ भी जो है बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी जो है या इतना ही रहने दीजिए, x का स्क्वायर आप प्लस में 25 है, ठीक है। तो x का स्क्वायर आप प्लस में 25, अब देखिए स्क्वायर से जो है स्क्वायर बराबर के इधर भी स्क्वायर है, बराबर के इधर भी स्क्वायर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो 41 बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर आप प्लस में 25, ठीक है, ठीक है। अब 41 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस में 25। अब इसको सॉल्व करेंगे, माने ये और ये जो है क्या, माने इसको हमने निकाला क्यू आर को, ठीक है, तो आया इतना, अब पी आर को पी क्यू को निकाला तो आया इतना, ठीक है। तो अब पी क्यू आर क्यू आर बराबर है, तो इसलिए बीच में हमने बराबर देते गए हैं, ठीक है ना। अब जो है हम लोग क्या लिखेंगे, 41 बराबर है x स्क्वायर प्लस 25 के, ठीक है, या इसी बतिया को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब 41 को भी इधर ला देंगे, इधर हो जाएगा 0। तो पहले इधर हम लोग मैंने पूरा समीकरण को कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए चलिए इधर से ही बताते हैं। अब देखिए 41 को इधर कर देंगे, तो 41 को जब इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 0, 41 जब इधर जाएगा तो, इधर क्या हो जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 41, ये नहीं होगा जब 41 बराबर के इधर आएगा तो, क्योंकि बराबर के इधर जब आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो एक्स का स्क्वायर अब प्लस में जो है 25 और माइनस 41 का मतलब ये हो जाएगा, देखिए अब जो है घटा के ही लिख दीजिए, 41 में से 25 चला जाएगा तो माइनस में क्या आएगा, 16, माइनस में हो जाएगा 16, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। एक्स का स्क्वायर अब प्लस में 25 है, माइनस में 41 है, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 16, और इधर हो जाएगा 0। इसी बतिया को थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, सीधा एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बराबर 0, ठीक है, ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। इसको जो है डायरेक्ट जो है माने इसको जो पासा पलट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पासा पलटने में जो है चिन्ह नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने जो है इसी बतिया को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, इसी बात को समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं बराबर के, हैं बराबर के इधर लाते हैं, तो 16 को, तो जब बराबर के इधर लाएंगे तो 16 जो है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 16 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब वर्ग संख्या को इधर लाएंगे, अब मैंने वर्ग को भी इधर ला देते हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में, देखिए वर्ग संख्या जब भी इधर आएगा तो क्या होगा, रूट होगा, और रूट संख्या जब इधर आता है तो वर्ग होता है, ठीक है ना, ये जो है याद रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हम जो है सवाल
मतलब इस प्रकार बताना चाहते हैं कि जो है ताकि सभी बेसिक जो है हमारे जो सवाल है हर सवाल में जो है बेसिक मिलता है, मतलब हमारा सवाल जहाँ से देखेंगे तहाँ से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए x बराबर जो है अंडर रूट में जो हो जाएगा 16। अंडर रूट में 16 का मतलब जो है कि आप देखिए रूट जो है होता है प्लस माइनस में, दो गो इसका मान प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए अंडर रूट में 16, अंडर रूट में 16 का मतलब 4 गुणे 4, 4 चौके 16, यानी कि 4 का वर्ग हो रहा है तो 4 बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने जब भी जो है कॉलोनी के अंदर जो है संख्या जोड़ा लग जाता है तो क्या करते हैं, मैं संख्या को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस में x का मान जो है प्लस माइनस में 4 प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए x बराबर आ गया प्लस माइनस में 4, इसका मतलब है कि अब जो हम लोग को आर बिंदु का जो निर्देशांक है वह क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इस प्रकार आर बिंदु का निर्देशांक, आर के निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो एक बार जो है प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में, तो 4 और जो है आर, यही ना है आर, यहाँ पे देखिए ना ये ना आपका आर है, तो इसका जो है मान 2 को प्राप्त हो रहा है प्लस माइनस, तो प्लस जो है माइनस दोनों ले लीजिए, ठीक है ना। प्लस और माइनस मतलब एक बार प्लस भी और एक बार माइनस भी लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो है दो तरह के जो है मान प्राप्त हो सकते हैं, एगो 4 और 6 और एगो -4 और 6, ठीक है ना। तो इसी बतिया को हमने जो है यहाँ पे लिख देंगे, क्या इसका मान प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया इसका मान, इसके निर्देशांक लिखेंगे 4 और 6 या -4 और 6 लिख देंगे, ठीक है। अब जो हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दूरी क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, तो क्यू आर की दूरी ज्ञात करना है, फिर पी आर की दूरी यानी कि टोटल दूरी ज्ञात करना है जब वही निर्देशांक निकल गया तो, ठीक है ना। तो हम लोग जो प्लस माइनस लेके ही जिसको ज्ञात करेंगे, अब देखिए अब क्यू आर की दूरी अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो क्यू आर बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, क्यू आर है ना तो 0 और माइनस में प्लस माइनस ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो 0 अब माइनस प्लस ले लीजिए, ठीक है ना, माइनस प्लस, अब चूंकि सूत्र में तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस प्लस लीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस ले लीजिए 4, ठीक है। और इसका जो है क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि चाहे प्लस लेके करेंगे या चाहे माइनस लेके करेंगे, और 0 माइनस 4 करेंगे ना तो ये जो है क्या होगा, 16 ही होगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि एक बार प्लस लेके करेंगे तो 0 माइनस 4, यहाँ पे देखिए ना 0 और माइनस, अगर अगर प्लस लेते हैं तो 0 और माइनस में फिर प्लस 4 ले लेंगे, ठीक है। मैंने इसको जो है दो तरीके से करेंगे ना, पहला अगर हम लोग धनात्मक लेते हैं प्लस x का मान धनात्मक ले लेते हैं तो इसका जो है वैल्यू क्या आएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 0 और -4 का वर्ग आएगा और प्लस में 1 माइनस 6 का वर्ग आएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 चौके 16 और 6 में से कट जाएगा 5, तो 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 16 अंडर रूट में 41, ठीक है, 25 16 अंडर रूट में 41 हो गया, ठीक है। और अगर इसका अगर धनात्मक भी मान लेंगे ना, ऋणात्मक, जैसे कि भाई इस बिंदु से अगर निकालते हैं ना इसका ऋणात्मक लेके, तो वो जो है इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो बस कोई एक मान इसका धनात्मक लेके चाहे ऋणात्मक लेके निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाहते हैं, भाई क्यू और आर की जो है दूरी ज्ञात करना है। तो क्यू और आर, चूंकि आर के जो हम लोगों को दो निर्देशांक प्राप्त हो रहा है, एगो ए और एगो ए, तो कौनो एगो है जो है निकाल दीजिएगा, मैंने ये वाला जो है लेके निकालिए चाहे ये वाला, दोनों का जो है मान जो है क्या आएगा, अंडर रूट में 41 से आएगा, ठीक है ना। चाहे प्लस लेंगे चाहे माइनस लेंगे, तो कौनो एगो यही बिंदु जो है लेके निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इस बिंदु को लेके निकालेंगे तो अंडर रूट में जो क्या आएगा, 41 से आएगा, ठीक है ना। अब जो है हम लोग को जो है पी आर की दूरी निकालना है, अब जो है हम लोग को पी आर की दूरी निकालना है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए
पी आर का मतलब सूत्र का कंसेप्ट क्या कहता है कि इसमें से इसको घटा लेना है और इसमें से इसको घटा लेना है, हम लोग एक ही मान है ये जो है मान लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो है एक ही मान लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और माइनस में जो है क्या है 4, ठीक है, अब वर्क कर लेंगे। आप प्लस में जो है क्या हो जाएगा, माइनस में 3 है, आप प्लस में माइनस में 3 और माइनस सूत्र में होता ही है, आप 6 लिखेंगे इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से जो हम लोग क्या करेंगे, तो अंडर रूट में जो कि 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग, आप प्लस में जो है माइनस 3 और माइनस 6 जुट जाएगा तो 6 3 9, माइनस में 9 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेना है, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1 और प्लस में जो है 99 81, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 82, ये हो जाएगा अंडर रूट में 82, ठीक है ना। तो ये आपका जो है पी आर का मान निकल गया अंडर रूट में 82, ठीक है। आप लोग जो है चाहे तो मैंने यही जो है हम लोग लिए हमने जो है यह लिया है 4 और 6 इस बिंदु का मान, ठीक है ना। अगर -4 6 भी लेके अगर कोई करता है तब भी इतना ही आएगा, ठीक है ना, तब भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपका पी आर की जो है लंबाई निकल गया अंडर रूट में 82, ठीक है, ठीक है। तो पी आर का मान जो है अंडर रूट में 82 आ गया। तो ये जो है हम लोगों ने जो है क्या निकाला था, धनात्मक लेके, ठीक है ना, ये वाला बिंदु लेके निकाला था। आर का जो है दो गो बिंदु प्राप्त हुआ है ना, ये मतलब आर के दो जो है मान प्राप्त हुए हैं, एगो 4 6 और एगो -4 6, ठीक है। तो अब -4 6 लेके ज्ञात करते हैं पी आर की दूरी, ठीक है ना, बराबर हो गया है। तो अब पी आर की दूरी हम लोग फिर से जो है क्या लेते हैं, कौन सा बिंदु ले लेते हैं पी के जो है पी आर की जो है दूरी निकालेंगे, तो कौन बिंदु लेंगे, ये वाला पी यही ले रहेगा, आर का मनवा यही वाला हो जाएगा -4 6, ठीक है। तो -4 6 यानी कि हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पी पी का निर्देशांक कितना है तो 5 और माइनस में 3 है, और यहाँ पे जो है आर का निर्देशांक हम लोग कौन सा ले रहे हैं तो माइनस में 4 6 ले रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना, दोनों का मनवा, ठीक है ना। तो अब एक बार ऋणात्मक लेके देख लेते हैं, धनात्मक तो हमने निकाला है ही, ठीक है ना, और एक बार ऋणात्मक निकाल के भी देख लेते हैं, क्योंकि बताया है कि जो समान होगा लेकिन समान नहीं हो पाएगा हमें लग रहा है, ठीक है। तो निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, तो पी आर की जो है दूरी निकालना है, तो इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो 5 और माइनस माइनस में 4 का वर्ग जो है कर लेना है, ठीक है, ठीक है। आप प्लस में जो इसी में रहेगा ना, प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा लेना है, तो -3 और माइनस में जो है क्या हो जाएगा 6, इसका जो हम लोगों को क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है। उसके बाद से जो है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये और ये, तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और प्लस में 4 हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेना है। और प्लस में माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, माइनस में इसका वर्ग कर लेना है। तो इसके बाद से अंडर रूट में हो जाएगा 5 4 9 9 9 का वर्ग हो जाएगा, प्लस में 9 का वर्ग समझ लीजिए, माइनस 9 का वर्ग का मतलब 99 81 कर लीजिए, ठीक है, 99 81 प्लस में 81 हो गया, इसको भी जो 99 81 कर लीजिए अब, ठीक है ना, 81 कर लीजिए, 5 4 9 का वर्ग का मतलब 81, ठीक है ना, आइए भी 81, तो 81 81 कितना हो गया भाई, 81 81 81 कितना हो जाएगा, तो 2 8 8 16 162। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 दूना 162, 81 दूना 162 होगा ना, 81 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 162 के 81 गुणे 2 बराबर लिख सकते हैं क्या, 9 9 गुणे 9 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो 9 बाहरी आ जाएगा, 9 का जोड़ा लग रहा है, तो अंडर रूट में 2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पी आर का मान 2 को प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो पी आर की वैल्यू जो है एगो प्राप्त होगा अंडर रूट में 82, एगो प्राप्त होगा अंडर रूट में 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिएगा कि यहाँ पे अतः, यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिएगा अतः अभिष्ट, अतः अभिष्ट माने जो हम लोग को चाहिए, अभिष्ट उत्तर क्या है, तो यक्स बराबर हम लोगों को प्राप्त हुआ है प्लस माइनस में 4, ठीक है, और पी आर और क्यू आर, पी आर की दूरी हम लोगों को 2 प्राप्त हुआ है, कितना अंडर रूट में 82, और एक जो है प्राप्त हुआ है
9 अंडर में 2 पी आर की दूरी, ठीक है। और जो है फिर हम लोगों ने क्या निकाला है, क्यू आर की दूरी निकाला है। तो क्यू आर की दूरी जो है पूछा गया है, तो क्यू आर की दूरी कितना आया है, तो अंडर रूट में 41 आया है, ठीक है ना। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।